हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम जीके में आपका चैप्टर 41 और 43 को एक्सप्लेन करेंगे. आपको बड़े ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, और ऑल्सो आपको साथ साथ लर्न करना है जीके में. तो आपका जो 41 चैप्टर है वो है स्पोर्टिंग टर्म्स. यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं हर स्पोर्ट से रिलेटेड. तो आपको जो टर्म्स, यानी कि ये टर्म्स किन स्पोर्ट्स में यूज़ की जाती हैं, आपको उनका नाम बताना है. फर्स्ट आपका है, जो आपको फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट आपका है स्पोक ब्लैक और किल. सॉरी, स्पाइक ब्लॉक और किल. जो स्पाइक ब्लॉक और किल होती है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे वॉलीबॉल में यूज़ की जाती है. सेकंड है हमारा ड्यूस, फुट फॉल्ट और लवॉल. ये हमारे स्टूडेंट्स टेनिस की गेम में यूज़ किए जाते हैं. थर्ड स्टूडेंट्स हमारा है जंप शॉट, कैरिंग द बॉल और पिवट. ये स्टूडेंट्स हमारा बास्केटबॉल में यूज़ किए जाते हैं. फोर्थ हमारा है बैटरी, फ्लाई बॉल और पिच. इसमें बेसबॉल में हमें इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. फिफ्थ में है पेनल्टी कॉर्नर, 16 यार्ड हिट और पेनल्टी स्ट्रोक. ये हमारे फील्ड हॉकी में यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा है गुगली, बैकलिफ्ट और बीमर. ये क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा है फॉल स्टार्ट, फ्री स्टाइल और मेडले. ये हमारे स्विमिंग में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है फिर हमारा चेकमेट, कास्टलिंग और गैम्बिट. ये बच्चों हमारे चेस में यूज़ किया जाता है. देन स्प्रिंट, ब्रेकअवे और किक. ये साइकिलिंग में यूज़ करते हैं. देन डिसमाउंट, रोटीन, पॉमेल हॉर्स. ये स्टूडेंट्स जिमनास्टिक्स में यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है स्मैश, किल और ड्रॉप शॉट. ये स्टूडेंट्स बैडमिंटन में यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है अपर कट, नॉकआउट और क्लिंच. ये स्टूडेंट्स हमारे बॉक्सिंग में यूज़ किए जाते हैं. तो इस तरह हमें ये जो है आपको स्पोर्ट्स की टर्म्स दी गई हैं, इसमें आपको स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट में इनका यूज़ किया जाता है वो आपको लर्न करना है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है चैप्टर 43, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं. ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये एक फॉर्म है एक आर्ट की, जिसमें जो आर्टिस्ट ने अपने अपनी वॉइस का यूज़ किया है, बॉडीज़ का और इन एम्प्टी सब्जेक्ट्स का. तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट फॉर्म है हरी विजुअल आर्ट्स की, ठीक है, विच इज़ व्हेन आर्टिस्ट यूज पेंट, कैनवास और वेरियस मटेरियल टू क्रिएट फिजिकल और स्टेटिक आर्ट ऑब्जेक्ट्स. तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो पर्सन्स हैं, यानी कि इनके डांस दिए गए हैं आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं कथक डांस, भरतनाट्यम डांस एट्सेट्रा ये करते हैं, तो इनके हमें नाम बताने हैं इनके पिक को देखते हुए. स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा है, जो हमारा फर्स्ट है कथक डांस. कथक डांस जो करते थे वो हमारे बिरजू महाराज करते थे. सेकंड हमारा भरतनाट्यम डांस, ये हमारी जो पिक है ये बाला सरस्वती की है. थर्ड है हमारा मणिपुर डांस. मणिपुर डांस जो थे अमूबी सिंह के द्वारा बहुत अच्छे से किया जाता था. नेक्स्ट हमारा है मोहिनी अट्टम डांस, जो कि श्रीमती कला मंडलम और क्षेमवती पवित्रम द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स छऊ डांस, जो कि मकर ध्वज दरोगा के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट हमारा है ओडिसी डांस, कालूचरण महापात्र ये महाशय जी हैं. नेक्स्ट हमारा है कथकली डांस, जो कि पी के कुंजू कुरूप के द्वारा, जो पी के हमारी पी के कुंजू कुरूप की है. नेक्स्ट हमारा जो जोड़ीदार है कुचिपुड़ी डांस, जो कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी की है. नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स सत्रिया डांस, जो कि घनकांट बोरा बारबियों के द्वारा किया गया. नेक्स्ट हमारा है कुड़ियट्टम डांस, जो कि अमनूर माधव चक्यर के द्वारा किया गया. नेक्स्ट हमारा है बच्चों पांडवानी डांस, जो कि तीजा भाई, यहाँ पर जो हमें पिक शो हो रही है वो तीजा भाई की है. देन कैलबेलिया डांस, जो ये पिक है
कुछ पिरा की है। तो स्टूडेंट इस तरह ही आपको मेन डांस दिए गए और उनके हमें आर्टिस्ट के बारे में हमें बताना था। तो आपको ये दोनों जो चैप्टर्स हैं अपनी नोटबुक में फिल करने हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से, और इन्हें अच्छे से आपको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस।